हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो जहाँ से आपको गेट में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो FCK होता है। अच्छा, ये लेक्चर हम लोग RCC का देख रहे हैं और RCC में बेसिक देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि बेसिक क्या होता है। और अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो है RCC या BMC के तरफ से भी आ सकता है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK कंक्रीट का क्या होता है? इट इज़ दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 क्यूब्स हमने लिया टेस्ट करने के लिए, और किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रेंथ पे जो है 95 ब्लॉक जो है हमारा टूट रहा है, और 5% जो है यानी कि 5 ब्लॉक उस पर नहीं टूट रहा है, उससे ज़्यादा या उससे कम पे टूट रहा है, तो ये इतना चलता है हमारा। ठीक है, ये टेस्ट हमारा चलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर 100 ब्लॉक में से अगर 6-7 ठो ब्लॉक ऐसा है जो अलग अलग स्ट्रेंथ पे टूट रहा है, और 95 से कम स्ट्रेंथ ऐसा है जो एक पार्टिकुलर स्ट्रेंथ पे टूट रहा है, तो ये टेस्ट जो है हमारा फेल हो जाएगा। ठीक, तो FCK का जो वैल्यू है वो दिया जाता है FM-1.65 सिग्मा। ये वैल्यू जो, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जहाँ पे FCK क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और FM हमारा मीन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल क्यूब्स, और सिग्मा जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल क्यूब्स है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा का एक फार्मूला हम लोग देखेंगे, रूट अंडर समेशन ऑफ F-FM होल स्क्वायर अपॉन N-1। ये फार्मूला तब यूज करना है जब हमको नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 30 से कम रहेगा, वो जो ब्लॉक्स का बात मैंने किया वो 30 से जब कम रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 30 या 30 से ज़्यादा अगर होता है, तो सिग्मा का वैल्यू समेशन ऑफ F-FM का होल स्क्वायर अपॉन N। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का तो फार्मूला यही होता है, हम लोग तो यही पढ़े हैं, फिर ये कहाँ से है फार्मूला? ये दोनों होता है। ठीक है, और दरअसल ये बात होता है कि हम लोग को अभी तक जो हाइड्रोलॉजी वगैरह में पढ़ते थे, तो रेन गेज स्टेशन 3, 4, 5 या 6 रहता था, बहुत तो 10 हो गया, तो वहाँ पे रेन गेज स्टेशन हमारा कैपिटल N रहता था, तो क्योंकि वैल्यू जो है वहाँ भी 30 से कम रहता था, इसलिए सिर्फ हमको यहाँ पढ़ाया जाता था। लेकिन ये पूरा करेक्ट मेथड है कि अगर सैंपल 30 से ज़्यादा है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, सिग्मा का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम लोग याद रखेंगे, इसको याद ही कर लेंगे। M10 और M15 के लिए सिग्मा 3.5 है, वैसे ये दिया भी जाता है लेकिन याद रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। M20 और M25 के लिए 4, M30 और M50 के लिए 5। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द मीन स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट। तो देखिए M25 ही हमारा बताता है यहाँ से, 25 ये क्या है, यही कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो FCK तो हो गया हमारा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है ये। तो ये देखिए FM को हम लोग क्योंकि अभी हम लोग देखें FCK = FM-1.65 सिग्मा, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि FM लिख सकते हैं वो FCK+1.65 सिग्मा। तो फॉर M25 ये जो देखिए F25 क्या होता है, FCK होता है, और सिग्मा का वैल्यू 4 लिया है हमने। क्यों 4 लिया है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि M20 और M25 के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। ठीक, ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया जा सकता, इसलिए मैंने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता दिया, इसको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो FM हमारा क्या होगा, FM यहाँ से हमारा 25+1.65 × 4, ये जब हम करेंगे तो 31.6 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूला पे जो है बहुत तरह का, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, मान लीजिए हम लोग को स्ट्रेंथ का बहुत सारा वैल्यू दे दिया जाएगा, F1, F2, F3। ठीक है, मान लीजिए अगर हमको 1, 2, 3, 4 ये 4 वैल्यू स्ट्रेंथ का दे दिया जाएगा, तो हम लोग FM कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1+2+3+4 करेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये FM हो गया। और यही सब हमारा F है, इसको F1 बोल देंगे, इसको F2 बोल देंगे, इसको F3 बोल देंगे, ठीक है, इसको F4 बोल देंगे। तो जो हमारा सिग्मा निकालना है फॉर्मूला से, वो क्या करना है, रूट अंडर F1-FM² + F2-FM² + F3-FM² और इसी तरह से करते जाना है, यहाँ जा रहे हैं तो F4-FM² अपॉन n हमारा क्या था, यहाँ पे 4 था, तो 4-1। अच्छा, माइनस वन क्यों किए, क्योंकि 30 से कम है, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, थैंक यू।